नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के सामने एक न्यू लोकेशन लेकर और न्यू स्टोरी के साथ में इस लोकेशन पे आके खड़े हो गए हैं इनके सारे सर लोगों के साथ में। और हमारे कैमरे पर दोस्तों जो भी एक लोग हैं, इतने लगभग 4-5-6 लोग इस लोकेशन को विजिट करने के लिए आ चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ किस लोकेशन पे और कैसी यहाँ की जो है आसपास की लोकेशन है, वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूँ। चारों तरफ जंगल है, आप दिखा दो इधर से, ये देख सकते हो। चारों तरफ आप लोगों को देख के पहले ही पता लग रहा होगा, इधर भी, और ये बीचों बीच से जंगल के रास्ता गुजरता है। तो स्टोरी बताने से पहले आप लोग सभी लोगों से आपका छोटा भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी रिलेटेड वीडियो आप लोगों तक रेगुलर पहुँचती रहें। तो भाई, आप लोगों का स्टोरी जो है आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, बिना बताए स्टोरी मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं ख़राब करूँगा, ताकि जो भी है एक एक मिनट का जो टाइम बहुत बड़ा महत्व का होता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को स्टोरी शेयर कर देता हूँ। इस लोकेशन पे दो बच्चों की आत्मा दिखाई पड़ती हैं। तो यहाँ पर कैसे दिखाई पड़ती हैं, क्यों दिखाई पड़ती हैं, ये सभी लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो है रास्ते में, दोस्तों दोनों बच्चों की एक रास्ते में जो है एक्सीडेंट हुआ था बाइक और साइकिल से। ये दोस्तों जो कहानी या स्टोरी जो मैं बता रहा हूँ, 5 साल पहले की स्टोरी है। दो बच्चों जो दोस्तों जा रहे थे, फैमिली जा रही थी पूरी बाइक पे सवार होके, साइकिल वाला जो आया था उसके सामने अचानक पता नहीं अपने उल्टे हाथ चला गया, कैसे भी एक्सीडेंट हुआ था। ये जौन लोगों, जहाँ के लोगों ने देखा था, जिस लोकेशन पर खड़े हुए हैं उन लोगों से पता किया या आसपास लोगों से, वो लोग तो यही बता रहे थे बाइक और एक्सीडेंट और साइकिल का एक्सीडेंट हुआ था, दो बच्चों की यहीं पर जो है मौत हो गई थी। तब से लेकर दोस्तों आज भी दोनों बच्चों की आत्मा दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों, ऐसा तो मुझे बड़े अफसोस की कहने के बाद बड़ा अफसोस हो रहा है, ऐसा कभी किसी के साथ में ना हो। तो आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ देखने में, और जहाँ आगे भी चलूँगा तब आप लोग पता चलेगा कि मतलब हाँ इस बात को रियल है। तो आज आप भाई लोकेशन के बढ़ने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना है। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं ख़राब करूँगा, बहुत कीमती समय होता है। तो चलो भाई, आ जाओ। ये आप लोगों को देख सकते हो कि यहाँ पर इतना कोई भी लोग, जहाँ भी कोई भी खतरा हो तो आप लोग आगे इससे मत जाना। तो मतलब जो बच्चों की आत्मा लोग कहते हैं कि हमला भी कर देती है और नुकसान भी पहुँचा देती है, तो आगे बिल्कुल मत जाना। चारों तरफ दिखा देना पहली बार, आगे इधर आ जाओ, आगे दोनों बच्चों की आत्मा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट साइड साइड रहना जी। देखो दोस्तों, आप लोगों के सामने यार, एक मिनट ये दोस्त पीछे 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 आता हूँ, पीछे आता हूँ, पीछे सारे लोग आता। कौन है, कौन हो तुम लोग, कौन हो तुम लोग, इधर आओ, इधर आते हैं सारे लोग।
कैमरा वापस करो, वापस करो, वापस करो। कुछ नहीं देखा। दोस्तों आप लोगों ने देखा, आप लोगों की नज़रों के सामने मैं जैसे ही जा रहा था, अभी वहाँ तक मैंने पहुँचने की कोशिश कर रहा था, जा ही रहा था लोगों से बात करते हुए, और अचानक से दोनों बच्चों की आत्मा सामने आ गई है। क्या करें, चलते हैं यार। मुझे की तरह बच्चों की आत्मा जो है बहुत खतरनाक है। चलो आ जाओ भैया, देखते करते हैं क्लियर करते हैं आखिर बच्चों की आत्मा यहाँ पर क्यों भटकती है। तो हो सकता है कुछ यार हम उन बच्चों की हेल्प कर सकते हो, तो हमारी मदद से कुछ किसी का भला हो जाए, पता नहीं यार। तो हम चाहते हैं यही। आवाज़ भी आ रही है ना? हाँ भाई। कौन है? आवाज़ है। कौन है? कौन हो तुम लोग? आवाज आ रही है भैया। कौन है? कौन है यहाँ पे? कुछ तो यहाँ पे दोस्तों है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। कौन हो तुम? है यहाँ पे दोस्तों, रियल में दोस्तों कुछ ना कुछ तो जरूर यहाँ पर नेगेटिव नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं यहाँ पर प्रेजेंट में जरूर है, कुछ ना कुछ जो अभी आप लोगों ने आंखों से देखा ही है। और हम लोग वहाँ पे पहुँचने में हमें लोगों को दिक्कत हो रही है। अभी जहाँ पर मैंने आप लोगों को ले चलने की बात की है वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं यार। कुछ ना कुछ यहाँ पे है जरूरी है। अच्छा डरती हुए यार सामने आगे। भाई सामने कुछ ये देखो सामने दोस्तों, ये बच्चों की आत्मा है, ये सामने है ना? हाँ भाई ये देखो सामने, ये देखो, ये देखो सामने यार। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखो दोस्तों, ये है सामने दोस्तों दोनों बच्चों की आत्मा। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। रुक जा यार एक मिनट, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा यार एक मिनट। है जुम, ये देखो दोस्तों। आखिर तुम कौन हो? कौन हो? यहाँ पर कैसे आए हो? क्या करते हो इतनी रात में यहाँ पर? कौन हो तुम? हैं? कौन हो तुम लोग? वो जा रहे हो वापस? जा रहे हो वापस? हाँ भाई जा रहे हैं। हाँ भाई वो सामने जा ही रहे हैं ना? किसी की वो जंगल की तरफ चले गया, वो किसी जंगल की तरफ चले गया। मुझे दिख रहा कच्चे रूम? नहीं भाई जंगल में चले गए भाई। कौन है यहाँ पे? दोनों बच्ची की आत्मा परिंता में यहीं पर थी, वो चीज पता नहीं कहाँ चली गई है। आ जाओ एक बार दिखावा कैसे थे। और आप लोगों खाते दोस्तों, आपका छोटा भाई बहुत रात में जाकर मेहनत करता हूँ, रिस्क लेता हूँ यार। भाई आपने छोटा भाई को यार सपोर्ट जरूर करें यार, ताकि लोगों से आगे बढ़ सके। आपका छोटा भी यार बहुत मेहनत करता हूँ दोस्तों, अपने छोटा भाई समझ के लोग सारे लोग यार सपोर्ट करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें यार। ना वो आत्मा दोनों? हाँ भाई लेकिन वो चीज यहाँ पर नहीं है। एक बार मैं आगे दिखा रहा हूँ, ऐसे खड़े रहना सारे लोग। एक मिनट जिधर से भी हमला भी हो सकता है ना।
कौन है यहाँ पे? मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो यार, कौन हो तुम लोग? हो सकता कोई इंसानी बच्चे हो, लेकिन मुझे तो देखने से मुझे नहीं लगता था। और आप लोग भी देख के कमेंट करके जरूर बताना क्या ये इंसानी बच्चे थे या फिर रियल में बच्चों की आत्मा थी। आप लोगों से आवाजें कुछ आ रही हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ नकारात्मक जो शक्ति है जो है प्रेजेंट में। मैंने दोस्तों वहां से निकलकर बाहर की तरफ आ चुके हैं, लेकिन बच्चों की आत्मा यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रही है। कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है यार, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं पता लग रहा, लेकिन कुछ ऐसी आवाजें महसूस हो रही हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर हो गया। मैंने यहाँ पर चारों तरफ जो है घूम कर देख लिया यार, इधर भी कुछ भी तक नहीं है। आप लोगों खातिर दोस्तों जो है एक बार फिर से चलने की कोशिश कर रहे हैं उसी जगह पर यार, और एक्सीडेंट दोस्तों आप लोगों को दिखा दिए हैं इसी चौराहे पे हुआ था, आप लोगों ने देख लिया है। आ जाओ, कौन है यहाँ पे? देखो वो यार सामने दोस्तों, मुझे लग रहा कि मेरी बातें दोस्तों बच्चों की आत्मा सुन रही थी यार। ये देखो यार, ये एक मिनट ये देखो सामने देखो हैं सामने आप लोगों को, ये देखो कैसे कर, ये देखो सामने यार, ये देखो है, ये देखो दोस्तों देख रहे हो ना? हाँ भाई, एक मिनट जूम करके दिखा देते हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते, देख के बताइए क्या इंसानी बच्चे हैं या कोई और भी हैं। ये देखो दोस्तों, देखने से मुझे नहीं लग रहा है, पीछे हो जाओ, रुक जाओ यार, तुम लोग क्यों डर रहे हो, इतना क्यों डर रहे हो यार? बैठ रहे। वो देखो वहीं पे हैं दोनों बच्चे यार, वो जा रहे हैं सामने आप लोगों के, वो देखो दोस्तों हैं, ये दोस्तों देख सकते हो, ये सामने दोनों बच्चों की आत्मा, ये है सामने यार, ये देखो जा रही है, ये देखो दोस्तों, एक मिनट लाइट फुल करो यार, एक मिनट आ जाओ दोस्तों, आप लोग खाते यार, आपका छोटा भाई रिस्क लेकर एक बार और सामने चलता है, ये कौन है और कहाँ से आए हैं? आखिर एक बात तुम लोग बता दो, कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते थे आप लोग पहले, कुछ बता सकते हो? तो कुछ भी नहीं, कहाँ से, तुम्हारे घर कहाँ है, तुम्हारा बता सकते हो?
तुम्हारा घर कहाँ पे है? वही दोस्तों, जवाब नहीं मिल रहा यार। जा रहे यार, जा रहे, जा रहे, जा रहे, जा रहे। कौन है? कौन है? यार दोस्तों, आप लोगों का भाई यार सारे लोगों के साथ में, सारे लोग मेहनत करके कोशिश किया है कि क्लियर कर सके, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, लेकिन उनकी बात जो मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्या कहना चाहते थे वो? मुझे तो ऐसा डर लग रहा है कि वो हमारे पास आकर कुछ हमला करना चाहते हैं, मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा है। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। आगे